नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। आपके साथ मैं हूं काजोल नारायण। शुरुआत करेंगे खबरों की। वन महोत्सव 2022 के शुभारंभ पर केदारनाथ वन प्रभाग के अंतर्गत जुमला में पर्यावरण संरक्षण को लेकर तमाम प्रजाति के सैकड़ों पौधे रोपे गए। केदारनाथ वन प्रभांगण के DFO इंद्र सिंह नेगी ने बताया कि शनिवार से गुरुवार तक विभिन्न प्रजाति के पौधे लगाने का लक्ष्य तय किया गया है। नगर से लेकर देहात तक विशेष अभियान चलाकर पौधे रोपे और लक्ष्य को पूरा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि शनिवार को गोपेश्वर देवखाल रोड पर जुमला में 500 से अधिक पौधे रोपे गए हैं। इस दौरान लोगों को वन और पर्यावरण संरक्षण के लिए लगातार प्रेरित किया जा रहा है। साथ ही साथ अपील किया जा रही है कि पर्यावरण को स्वच्छ रखें, ज़्यादा से ज़्यादा पौधे लगाएं। आवारा पशुओं से कोटद्वार शहर को मुक्त कराने के लिए विधानसभा अध्यक्ष ऋतु खंडूरी भूषण ने एक अभियान की शुरुआत की। इससे अब शहर को बेसहारा पशुओं से निजात मिलने की उम्मीद है। इस दौरान विधानसभा अध्यक्ष ने खमनपुर में निराश्रित पशुओं को गौड़ीखाता स्थित भागीरथी धाम आश्रम गौशाला में ले जाने वाले वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। से एक छोटा सा अभियान शुरू किया है जहाँ पर हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारी जो गौ माता है वो सेफली कृष्णायन गैंडीखाता जो हमारा वहाँ पे एक गौशाला है वहाँ तक हम पहुँचाएँ। आप सब जानते हैं कि कोटद्वार में रोड्स पर जानवर गाय घूमती हुई नज़र आती हैं, तो मैं आभार व्यक्त करना चाहती हूँ भागीरथी धाम का और स्वामी जी का, स्वामी आत्मानंद जी का, कि उन्होंने हमें ये परमिशन दी कि हम अपनी कोटद्वार से जो हमारी गाय सड़कों पर रहती हैं उन तक हम पहुँचाएँ। उनका बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। साथ ही साथ विश्व हिंदू परिषद के जो हमारे बच्चे हैं जो आपके सामने खड़े हैं, इन्होंने बहुत मेहनत की है और अब वैसे ये लोग लगातार गाय की सेवा में उतरते हैं, जानवरों की सेवा में कोटद्वार में बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। सरोवर नगरी नैनीताल से लगभग 16 किलोमीटर दूर पर्यटक स्थल सातताल का परंपरागत पहाड़ी शैली से सौंदर्यकरण किया जा रहा है, जिसके लिए जिलाधिकारी धीराज सिंह गब्रियाल ने बारिश के चलते अधिकारियों कर्मचारियों के साथ स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी धीराज गब्रियाल ने बताया कि भारत सरकार के स्पेशल असेसमेंट प्रोग्राम के अंतर्गत पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए सातताल के सौंदर्यकरण हेतु 7 करोड़ से ज्यादा रुपये जनपद को मिले हैं। अलीगढ़ के थाना कोतवाली क्षेत्र के भूजपुरा क्षेत्र में एक परिवार में बीती रात घरेलू कलह के चलते विवाद हो गया। सुबह के समय लगभग 5 बजे 40 वर्षीय की संदिग्ध परिस्थिति में मौत हो गई। महिला की मौत पर परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंचे मायके पक्ष के लोगों ने ससुराल वालों पर महिला की हत्या का आरोप लगाया है। फिलहाल पुलिस मौके पर पहुंची है, शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ये माजराय जी, इसमें दोनों में झगड़ा हो रहा था। रात को 9 बजे मैं 9:30 बजे मेरे पास फ़ोन करा, मैं खाना खा रहा था। मैं तो इन्होंने पूछी कि झगड़ा हो रहा है इनमें, तो मैंने कि बात करो बन्ने से, तो बन्ने ने मना कर दी, बात नहीं करूँगा मैं। बन्ने कौन है? उसका आदमी है। हाँ जी, तो सवेरे 5 बजे इन्होंने फ़ोन करा कि लड़की ख़त्म हो गई। मैंने कहता फांसी लगा लिया, तो मैंने यहाँ देखा है इसके घुटके खिचड़े पर हैं, कपड़े सने मिट्टी में और गर्दन पर खून है। यहाँ से दिल्ली शादी हुई, भोजपुरा शादी हुई है, रहने वाले भौनई के हम, छर्रा के पास भौनई, जिला अलीगढ़। भारत से नेपाल सामान निर्यात करने वाले निर्यातक देश के राजस्व को लगातार जमकर चूना लगा रहे हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये खुलासा नेपाल के बसार कार्यालय द्वारा निर्यातकों पर लगाए जा रहे कस्टम शुल्क से साफ साफ समझ आ सकता है। ऐसा एक मामला सिद्धार्थनगर जिले के बढ़नी बॉर्डर में देखने को मिला। यहां बढ़नी बॉर्डर से नेपाल में निर्यातक ने एक ट्रक सेंट्री का सामान भेजा। शंका के आधार पर नेपाल के कृष्णानगर जिले के भंसार कार्यालय के अधिकारियों ने जब पूरा सामान अनलोड करके गिनती की तो कागजों में दिखाई गई संख्या से काफी अधिक सामान ट्रक में पाया गया, जिस पर नेपाल के भंसार कार्यालय ने लगभग 12 लाख रुपये कस्टम शुल्क लगा दिया। ये ट्रक जो आया था इंडिया से, इसमें जो है सैनिटरी का जो सामान है, कमोड
पेडिस्टल पैन ऐसा 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 सामान था। इसमें जो उन्होंने घोषणा किया था उसमें उसको हमने शंका करके उसको आशंका करके हमने उसमें कमोड होने का आशंका किया था और सब सामान को उतारा और देखा तो उन्होंने वॉश बेसिन 110 पीस पेडिस्टल 180 पीस और कमोड 30 पीस वो जो उन्होंने घोषणा ही नहीं किया। यूपी के गोंडा जिले में सेना में ड्यूटी से छुट्टी लेकर अपने घर आ रहे एक फौजी की कर्नेलगंज रेलवे स्टेशन के निकट ट्रेन की चपेट में आने से मौत हो गई। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। घटना शुक्रवार की सुबह की है। आर्मी मैदान परसपुर थाना क्षेत्र के अंतर्गत गंगापुरवा गांव निवासी 25 वर्षीय महेश प्रताप सिंह भोपाल से अपने घर आ रहा था। शुक्रवार की सुबह कर्नेलगंज रेलवे स्टेशन के समीप किसी ट्रेन की चपेट में आकर उसकी मौत हो गई। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के एक और नए आदेश ने व्यापारियों में हड़कंप मचा दिया है। योगी सरकार के नए आदेश में इस बार सिंगल यूज प्लास्टिक को पूरी तरह से बैन कर देना का आदेश जारी हुआ है, जिसके धरातल पर उतरने को लेकर प्रशासन भी अलर्ट मोड पर नजर आ रहा है। शुक्रवार को सरधना पालिका प्रशासन ने जागरूकता रैली निकालकर सरधना नगर के व्यापारियों समेत आम नागरिकों को सिंगल यूज प्लास्टिक बैन को लेकर जागरूक किया। अवैध टेम्पो स्टैंड से डगमार वाहनों पर कार्रवाई के आदेश के बाद सिंगल यूज प्लास्टिक पर कार्रवाई के आदेश से आम नागरिकों ने सरकार के इस आदेश की सराहना की है। साजापुर में केंद्रीय विद्यालय बन की मासूम छात्रा को स्कूल से घर जाते समय रोडवेज बस ने कुचल दिया। मासूम छात्रा की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। गर्मी की छुट्टी के बाद आज ही स्कूल खुला था। स्कूल सदर थाना क्षेत्र के रोडवेज बस स्टैंड की घटना। पीलीभीत में लगातार बीती रात से तेज हवाओं के साथ बारिश हो रही है, जिसकी वजह से नगर पालिका की साफ सफाई व्यवस्था की पोल खुल गई है। शहर में भी बारिश के बाद सड़कों और गलियों में जल भराव से सड़कें तालाब में तब्दील होती नजर आ रही है। वहीं दूसरी ओर रोडवेज बस स्टैंड भी पूरी तरह से जलमग्न हो गया है, जिसकी वजह से आने जाने वाले यात्रियों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। औरैया में कुएं में गिरे एक बकरी को बचाने के चक्कर में दो भाई भी कुएं में गिर गए। जहरीली गैस होने की सूचना पर पहुंची पुलिस रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद मवेशी समेत दोनों सगे भाइयों को निकाला है। दोनों भाइयों को अस्पताल में भर्ती कराया। औरैया कोतवाली के सुरांग गांव की घटना। रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से, जहां कलयुगी ससुर अपनी ही सगे नाबालिग बेटे की पत्नी पर गंदी नजर रखता था और शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। नाकाम होने पर इस कलयुगी पिता ने पुत्र और उसकी पत्नी को जहर दे दिया, जिससे इलाज के दौरान बेटे की मौत हो गई। फखरुद्दीन गांव थाना कुंदरती से एक सूचना मिली कि एक युवक की संदिग्ध परिस्थितियों में मृत्यु हो गई है। सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन में ये पता चला कि एक पति पत्नी जो दंपति हैं उन्होंने पारिवारिक कलह के कारण जहर खा लिया है, जिसमें पति की स्थिति बिगड़ जाने के कारण उसकी आज दोपहर में मृत्यु हो गई और पत्नी का इलाज चल रहा है। मृतक की मां की तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर लिया गया है एवं मृतक की माँ का कहना है कि पिता के द्वारा दी गई प्रताड़ना के कारण पति और पत्नी ने जहर खाया था। बुलंदशहर के जागीराबाद पासू खुर्जा आदि स्थानों में चल रहे अवैध क्लिनिकों पर सीएमओ का हंटर चला है। सीएमओ द्वारा की गई बड़ी कार्रवाई को देख क्लिनिक संचालक भागते नजर आए। क्लिनिक संचालक ने हड़बड़ाहट में अपनी दुकानों के शटर बंद कर दिए। सीएमओ ने बताया कि अवैध चल रहे कई क्लिनिकों को सील किया गया है और स्वास्थ्य विभाग की नजर लगातार ऐसे क्लिनिकों पर बनी हुई है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश संयुक्त उद्योग व्यापार मंडल के पदाधिकारी ने प्रदेश अध्यक्ष घनश्याम दास मार्ग के अनुसार व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष जयवीर राणा के नेतृत्व में नवनियुक्त डीआईजी महोदय सुधीर कुमार सिंह का सहारनपुर आगमन पर अपने संगठन की ओर से भव्य स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर सामने आई हैं।
राजस्थान में हुई घटना के बाद उत्तर प्रदेश में अलर्ट है, जिसमें सभी जनपदों की यूपी पुलिस थाना क्षेत्रों के अंतर्गत कस्बा बाजारों गली भीड़भाड़ वाले स्थानों पर फ्लैग मार्च कर शांति सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लेकर शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील कर रही है। वहीं सोशल मीडिया पर कड़े रुख अपनाए हुए हैं। श्रावस्ती में राजस्थान में हुई घटना का विरोध करते हुए विश्व हिंदू परिषद संगठन के पदाधिकारियों ने भिनगा संघ भवन से ईदगाह तिराहे तक पैदल मार्च कर नारेबाजी करते हुए जोरदार प्रदर्शन किया। संभल में निजी अस्पताल के कर्मचारियों की दबंगई देखने के लिए मिली है। नाले की सफाई के दौरान गाड़ी हटाने के लिए कहने पर जेसीबी के ड्राइवर को दबंग कर्मचारियों ने पीटा है। सूचना पर पहुंची पुलिस भारी बरसात के कारण जलभराव के चलते नाले की सफाई करने नगरपालिका की टीम निकली थी। सदर कोतवाली इलाके के चंदौसी रोड स्थित निजी अस्पताल का यह मामला। हरदोई के अरवल थाना इलाके में एक ज्वेलरी शॉप में दो महिलाओं ने जेवर चोरी की घटना को अंजाम दिया। हालांकि उन्होंने बड़े ही शातिर ढंग से चोरी की वारदात को अंजाम दिया, लेकिन दुकान में लगे सीसीटीवी कैमरे में उनकी हरकतें कैद हो गई। इस मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। अपर पुलिस अधीक्षक का कहना है कि सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से जल्द ही मामले का खुलासा कर दिया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के उद्घाटन हेतु प्रस्तावित कार्यक्रम है, जिसको लेकर एडीजी कानपुर जोन भानु भास्कर और आईजी प्रशांत कुमार ने बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे का निरीक्षण किया। उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। और इसी के साथ फिलहाल खबरों में इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।